गाइस, आज पहली बार मैं इन तीन बंदरों मतलब हम तीनों बंदर लाइक बंदरिया हाँ बंदरिया जो भी होता है ना, हम जा रहे हैं शॉपिंग करने और शॉपिंग करने भी कहाँ जाए भाई के, कितना मजा आएगा और करने भी कहाँ जा रहे हैं, तुम लोग सोच सकते हो। सोम बाजार कहते हैं उसको, सोम बाजार। तो गाइस अब चलते हैं यहाँ से, हम रिक्शा करते हैं जाके। हालांकि मुझे भी नहीं पता कैसे कैसे रिक्शा करते हैं, मैं हर बार सुबह भाई पहली बार जा रही है। मैं उस मार्केट में कई बार गई हूँ, गाड़ी से गई। हाँ, मैं गाड़ी से गई हूँ, जहाँ भी जाते हैं गाड़ी से जाते हैं। हमारे पास गाड़ी है तो उसे यूज करेंगे, बट टाइम ओवर हो गया, उनके भी जाने का टाइम हो गया। भैया चले गए, ड्राइविंग हमें आती नहीं है। और जय भाई को अभी या तो नींद आ रही होगी या तो मार गया, बस काम था उनके पास। हम था वो कह रहे सेल्फ डिपेंडेंट बनो, अपना जाके काम खुल करके आओ। और पीछे बोला, हाँ ऐसा बोला। तो अब ना हम थोड़ा सा आगे जाते हैं, यहाँ से पता करते हैं कि रिक्शा कैसे मिलेगा। ये तो बताओ यूँ ही नहीं, कहाँ जा रहे हैं? आगे से मिलता है वो रिक्शा, यानी पैदल चलाना। 40 रुपए 50 रुपए में डायरेक्ट मार्केट में छोड़ देगा। ठीक है, अभी हम रिक्शे की बात करते हैं। खड़े मैं नहीं आ रही, रुपए मेरे से क्या दुश्मनी है तुम्हारी? ओके, तुम मेरे भी नहीं कर रही हो। नहीं नहीं नहीं, तुम भी आओ। ये लो दोनों आ गई, रिक्शे की बात करते हैं। हाँ भैया, वो वहाँ जाना है मार्केट वाली जो जगह है, रामफल चौक। नहीं, फाइनली गाइस हमें रिक्शा मिल गया। ठीक है, इन दोनों को मैंने आगे बिठा दिया। क्या कैमरा संभाल के कुछ नहीं? हाँ हाँ वही तो, देखा इसने सही समझदारी ले बात करी, फोन संभाल के। यहाँ पे कोई भी छीन सकता है, और जिसको मिलेगा वो तो बेचारा खुश हो जाएगा ना। मेरा फोन 14 मिल गया, 14 क्यों घटा रही है बहन? लेवल मत घटा, 14 14 हाँ वही तो, जिसमें मतलब कैमरा लेवल घटा सकते हैं, फोन का नहीं मारूंगी। तो ये इतनी गंदी लड़कियां है, मेरे फोन का लेवल उठा रही, लेकिन मेरा घर भी कोई छीन तो नहीं लेगा फोन। छुपा पंच पड़ेगा यहाँ से। ठीक है, जाने के बाद सब पंच धरे के धरे रह जाते हैं। ऐसा कुछ नहीं, जितनी हीरोइन बन रही उतनी है नहीं। ठीक है, अब हम डायरेक्ट मार्केट में मिलते हैं। रास्ता लंबा कर अभी नॉइस आ रही है बाहर की। ठीक है, कई थोड़ी देर में मिलते हैं। और फाइनली हम आ गए मार्केट में, वो किराया दे रही है। आप रिक्शे का तो रेंट देना पड़ेगा यार, हमारे रिश्तेदार भी हो तो भी नहीं छोड़ेंगे। गंदा क्या कीचड़ में, ये नोट अच्छा नहीं था इसलिए मैं बदल रही हूँ। ये देखो नया नया नोट यार। रूबी हमारी सही है, बार्गेनिंग करने में हेल्प करेगी। ठीक है, और अब हम जाते हैं यहाँ पे। मैंने अपने फोन का टेम्पर लगवाया था, यहाँ पे टेम्पर लगवाने आती हूँ मैं। अभी भी वैसे टूट गया लेकिन। और ये साड़ी की शॉप है जहाँ से मैंने सारी साड़ियाँ ली है। चलो अब घुसते हैं और यहाँ से साड़ियाँ देखते हो। क्या गाइस आपको कोई साड़ी पसंद आ रही है? इस कलर की तुम्हारे पास नहीं है ना? अंदर पता करते हैं। और यहाँ बहुत रीजनेबल प्राइस में मिलता है, लाइक 250 स्टार्टिंग है, 250 से स्टार्टिंग है, 200 से स्टार्टिंग। हाँ ऐसी है, तो मतलब कोई भी सस्ती साड़ी है। हाँ तो वही तो ले सकते हैं। तो ठीक है, अब हम साड़ियाँ देखते हैं, देन उसके बाद दिखाते कौन कौन सी है। मेरे पास ऑलरेडी एक साड़ी है जिसका मैं ब्लाउज लेने आई, वो लेने आई हूँ पेटीकोट। हाँ इसलिए तो लाई हूँ, जो ले सकते हो ले लो। ठीक है गाइस, तो फिर मैं थोड़ी देर में मिलती हूँ, टाटा। हमने ले लिया है, हमने शॉपिंग करी है, साड़ी अभी बाकी है। हाँ, और हम घर चल के दिखाएंगे आप लोगों को कैसे शॉपिंग की, क्या क्या लिया। हाँ पर ये है ना, ये इनसे बार्गेनिंग नहीं होती है, इसमें बार्गेनिंग का कोई रेट नहीं है। जो फिक्स प्राइस लिख रखा था उन्होंने, लाइक पता है क्या, देखो लोग होता है मार्केट में जाते हैं तो ये दिखाते हैं, वो ये दिखाते हैं कि उन्होंने भले 1000 की चीज खरीदी हो, लोग मार्केट में क्या दिखाते हैं, मम्मी को तो याद ही होगा ना, भैया मैंने इतने में लिया, 500 में लिया, भैया मैंने 600 में लिया। हाँ, तेरा तो नहीं देना मत दो, वो झूठ बोलना नहीं आता भाई। अगर मैंने 800 में ली चीज तो मैं 800 में बताऊंगी, और अगर मैंने 1000 में ली तो 1000 में बताऊंगी। नहीं, यहाँ पे ब्लाउज दे था सिलने के लिए, कोई भी लेने आ सकता है। आएगा कौन लेने? कोई मम्मी, मुझे लगा टेबल बहुत बड़ा होगा, मैं बैठने लगी और बैठते बैठते गिर गई। हाँ बच गई, लेकिन बचा लिया दीदी। ब्लाउज प्राइसिंग क्या सिल देगा? हाँ बात करते हैं। चलो गाइस हम ब्लाउज सिलने की बात कर लेते हैं, ब्लाउज दे देते हैं, देन उसके बाद मिलते हैं। थोड़ी सी और शॉपिंग कर ली, और हमारी कविता के लिए कुछ मिल ही नहीं रहा। छोटू बच्चू आपको कुछ नहीं मिल रहा? तो इसके लिए ढूंढना थोड़ा डिफिकल्ट है, अभी ढूंढते हैं। अच्छा लग रहा है, बट ये है कितना प्राइस? 250 100 रुपये आगे ढूंढ। चलो यहाँ पे ना सब रेट तो ऐसे लग रहा है सोने का। बहस मत कर, कोई नहीं, आजा बहन आजा। ठीक है, हम ढूंढते हैं और भी देखते हैं क्या क्या है मार्केट में। पालम है, पालम लुटेरों का गांव।
मंगवाई ब्लाउज, मैंने रूबी कितना 150 में बताया था ना, मैं सिलवा के मंगवाया था ना। हाँ तो घर से सिलवा लाना है। कविता मैंने क्या दिलाया आपको? आज आपने मुझे गोल्ड की यू नो चैन दिलवाई है, थैंक यू सो मच। इसका प्राइस 1 लाख रुपीज। क्या बोल रही हो तू? क्या बोला तो सुना क्या? 1 लाख मैंने कुछ सुना ही नहीं। सौतने बहने बनी पड़ी है। ठीक है चलो वीडियो बनाने पहले हमने शॉपिंग कर ली और थोड़े से गोलगप्पे भी खा लिए। खाए तो थोड़े से ही है, ठीक है, छह खाए ज्यादा। हाँ बस छह बोल, हाँ एक पापड़ी भी खाई है। पैसे भी क्या गोलगप्पे के बाद पापड़ी नहीं मिलती, अभी तक कहाँ रह जाती है। तो गाइस हमने छह छह गोलगप्पे खाए। हमने गलती कर दी यार, हमें चिली पाउडर उगाने दे यार। कोई बात नहीं, वो नेक्स्ट टाइम के लिए, ठीक है। अगली बार तुमने वैसे ज्यादा ही गोलगप्पे खा, मुझे लगा तुम्हारा मन गोलगप्पे का है। मैंने गलती कर दी इससे, ठीक है। और उसे मैं ऐसा पूछते हैं अंकिता बाहर का क्या खाने का मन है, उसे मेरा क्या जवाब आता है? चिली पोटैटो और मोमो और कोल्ड ड्रिंक, इसके अलावा कुछ नहीं, ठीक है। तो इसने खुद नहीं बोला था कि मुझे गोलगप्पे खाने, कविता की चॉइस थी। तो मैंने कहा ठीक है, गोलगप्पे तो मेरी भी फेवरेट है, हर टाइम खाती हूँ मैं। और थोड़ा सा क्या कहते हैं, यहाँ से एक मोमोज की दुकान है जहाँ से अंकिता ज्यादा मोमोज खाती है। तो मैं पता है बस इसलिए ट्रायल ले रही हूं क्योंकि मैं हमेशा वहीं से मोमोज खाती हूं, तो ना टेस्टी लगता है। तो मैं एक प्लेट पैक कराऊंगी जय के लिए। आई नो पता नहीं उनको पसंद आएगा नहीं, आई डोंट नो। हाँ वही ना, आई डोंट नो। आपने आई नो बोला, आई नो मतलब ये कि हाँ मैं जानती हूँ उन्हें पसंद नहीं आएगा सच में, और वो खाएंगे नहीं और नखरे और दिखाएंगे। वो नहीं खाएंगे तो मुझे दे दे, ठीक है। ऐसा नहीं लग रहा हम चल रहे सामने से और लोग हमें उड़ा के चले जाएंगे, ठीक है। तो अब मैं उनको लेके जाऊंगी, मुझे पता है वो नहीं लेके जाओगे। हाँ वही उनके लिए लेके जाऊंगी, मुझे पता है वो खाएंगे नहीं, लेकिन मैं फिर भी लेके जाऊंगी, ठीक है। अपना फर्ज पूरा करूंगी क्योंकि मैं मार्केट आई हूँ, तो मैं उनके लिए कुछ। तो मार्केट आते हमारे लिए कुछ लेके नहीं जाते, हम लेके तो जा रहे हैं। पहली बार आई हूँ, पहली बार लेके जा रही हूँ, ठीक है। और गाइस हमने इतनी सारी शॉपिंग करी है ना, दो बजे शॉपिंग से रोक दिया। हाँ मैंने कहा ठीक है, अभी अगली बार पेमेंट आएगी ना तब करना, थोड़ी कंजूसी भी तो होती है ना, किस्तों वाली जिंदगी है ना ये, थोड़ी किस्तों में चलती है। हमने किस्तों पे लिया है। हाँ तो लिटरली लाइफ का फंडा है, हर कोई किस्तों पे जी रहा है, ठीक है। देखो अच्छा हुआ गाड़ी की लाइट आती है, लोगों को ज्यादा पसंद आती है। हाँ तो ये दिखावे की जिंदगी किस्तों वाली, ठीक है। किस्तों वाली जिंदगी। हाँ रोना आ रहा है क्या? चलो अब हम मोमोज पैक कराते हैं और उसके बाद फिर रिक्शा करते हैं, फिर चलते हैं। इस मोमोज के चक्कर में थोड़ा पैदल चलना पड़ गया मुझे। है यार शरीर के लिए पैदल चलना, घर में पड़े पड़े भैंस नहीं होना है। हाँ वही तो, आपका तो डाइजेस्ट हो जाता है जिम करती हो। हमारा कहाँ होगा यार, मैं तो जिम मैं तो ऑलरेडी फिट होगा। हाँ ये फिट है, इसकी कोई टेंशन नहीं। अब लगता है राइस खा के निकल जरूर जाएगी। नहीं राइस से नहीं होता, अब ठीक हो गई है। चलो चलो रोड क्रॉस करो, मैं भी तो राइस खाती हूँ, मेरे कहाँ निकल रहा है। इतना पद्दा खाना मत कर, मैं बेहोश हो जाऊंगी सच में, ठीक है। आज मैंने उसके दुख में आज मैंने पहली बार जय के लिए कुछ पैक कराया है, पहली बार दिल से। ओहो देखते हैं क्या है, टट्टी ले आई और कितना अच्छा होगा। भाई का रिप्लाई बता रही हो यार, वो खुश हो जाएंगे। मैं ना कैमरा चुपके से ऑन करूंगी और उनको बताऊंगी और रिएक्शन ठीक है, ताकि हम देखे बाद में भाई ने क्या बोला, क्योंकि मेरा तो यही एक्सपीरियंस है कि भाई ये बोलेंगे हक के आ गई हो, टट्टी करके आ गई हो, उनको अच्छा लगेगा ना। ज्यादातर भाई की मुझे तारीफ कभी नहीं सुनी काम। हाँ बट इसलिए मैं पहली बार कर रही हूँ तो अच्छा ही लगेगा। अच्छा। खाने की चीज उनको पसंद भी है थोड़ा बहुत। नहीं तो मतलब देखते ना मेरा ये थॉट आया। हाँ ठीक है, तुम्हारे थॉट को चेंज करूंगी मैं। चुपके से कैमरा मत ले, ये लाइक प्रैंक करूंगी आज मैं चुपके से हाइड करके, ठीक है भगवान जी वहाँ से अंकिता खाती है, इसीलिए मैं वहाँ से लेना चाहती थी। वो डेली जो मोमोस और चिली पोटैटो खाने जाती है ना, वो उसी दुकान से लेती है, तो उसकी दुकान की पसंद से मैं लेकर आई। मैंने कहा ट्राई तो करूँ। तो अपने भी आप अपना ओपिनियन दो पहले। मेरा ओपिनियन मुझे नहीं पता था उसमें वो तेल जैसा होगा कुछ। मुझे मोमोस सिर्फ उत्तम नगर के अच्छे लगे थे, बड़े बड़े से गरम गरम भी हम खाते थे तुरंत। हाँ शायद इतनी दूर आने में ठंडा भी हो गया, बहुत भूख लगी होती थी इसलिए शायद ज्यादा अच्छे लगते थे। हाँ तो अंकिता तुम पूछी थी ना, इनके रिएक्शन ऐसे ही थे कुछ लाइक
गंदा सा मुंह बना के दो पीस भी गलती ऐसे खाया है सोच सोच के। तीन खाया ना? तीन खा ली क्या? ओहो, तीन आपने खाए? मैंने तीन खाए, मैंने दो खाए जो